हेलो दोस्तों, बीएससी फर्स्ट एजेंसी पर आपका स्वागत है। आज आपको मैं बताऊंगा संविधान की विशेषताएं। तो चलिए पहला प्रश्न पर आते हैं, जो इस प्रकार है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? चलिए दोस्तों फटाफट आप लोग आंसर दीजिए इसका। अभी पूरा देश में लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग देखिए इसका उत्तर है भारत का, यानी अपना ही देश इंडिया का है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। तो ये रहा आपके सामने उत्तर, राज्यों का संघ माना गया है। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है, यानी इसका क्या मतलब है? तो चलिए इसके प्रश्न का उत्तर आपके सामने है, उसका राज स्तर पर कोई धर्म नहीं है, यही इसका तात्पर्य है, यही इसका मतलब है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत किस प्रकार का देश है? चलिए इसका आंसर भी आपके सामने आ रहा है, तो भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। चलिए इसका भी आंसर आपके सामने आ गया। देखिए संरचना में बात करें तो संघात्मक है, और भावना में बात करें तो एकात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? इसका भी आंसर आपके सामने आ गया। तो सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किए गए संविधान में कितने भाग और अनुच्छेद और सूचियां थी? तो इसका भी उत्तर आपके सामने आ गया, ये रहा। देखिए 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में चेंज हो गया है, आपके सामने है, देखिए उसका भी आएगा आंसर। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई? जहाँ तक की बात करें तो आपके सामने आंसर है ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। लॉकडाउन का पालन कीजिएगा भाई लोग। आपके सामने प्रश्न 9, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? पूरा देश महामारी से गुजरा रहा है, देखिए आपकी आंसर आपके सामने, आंसर 12 है इसका। क्वेश्चन नंबर 10, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? इसका आंसर आपके सामने आ रहा है, जो इस प्रकार है, क्रमशः 73वीं में 11वीं और 84 में संविधान संशोधन में 12वीं जोड़ा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 9वीं अनुसूची संविधान कब जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची संविधान में आपको प्रथम संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, उसी समय जोड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो आपके सामने प्रश्न का उत्तर है संविधान। अगला प्रश्न की बात करें तो ये रहा आपके सामने, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो आपके सामने ये रहा उत्तर, सर्वोच्च न्यायालय, ये अभिभावक बोलते हैं संविधान का। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता क्या है? तो इसका उत्तर है संविधान का सर्वोच्चतम। चलिए आखिरी प्रश्न आपके सामने है,
संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो ये आपके सामने आंसर प्रस्तावना में देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, बड़ी दुख की बात है कि भारत लॉकडाउन में है और कोरोना वायरस से परेशान है। आप लोग घर में रहिए और प्रश्न का उत्तर देते रहिए, अपनी तैयारी मजबूत करते रहिए।